वारंगा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के परिसर में भवन निर्माण का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों, डेवलपर्स और वास्तुकारों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में पालक मंत्री नितिन राउत ने वारंगा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के काम को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पूरा करने का निर्देश दिया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर संजीव कुमार, कुलपति विजेंद्र कुमार, अधीक्षण अभियंता अमित परांजपे, बुट्टी बोरी के कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल लांडे, एनएमआरडीए के कार्यकारी अभियंता राजेश मेघराजानी, राघवेंद्र चौरसिया और सुहास रंगारी मौजूद थे। पालक मंत्री नितिन राउत ने सभी भवनों का निर्माण करते समय पर्यावरण संरक्षण के सभी आदर्श मानकों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने एमएससी डीसीएल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक अलग और समर्पित सबस्टेशन स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करें, क्योंकि आईआईटी, संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे बड़े शैक्षणिक संस्थान इस क्षेत्र में आने वाले हैं। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को एक पत्र प्रस्तुत किया गया था ताकि एक नए भवन के निर्माण के लिए 164 करोड़ रुपए के बजट और मानचित्र के साथ राज्य सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव सोमवार 18 जनवरी को राज्य सरकार को भेजा जाएगा।